राजस्थान जिला झुंझुनू खेड़ती किशनपुरा में 27 मई 2019 को घर में घुसकर योजनाबद्ध तरीके से धारदार हथियारों से शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफियाओं ने दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया था। खेतड़ी गांव में 28 मई 2019 को मारपीट करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें अभी मात्र 5 अपराधियों को ही गिरफ्तार किया गया है। शेष अपराधी व अपराधियों के घर वाले पीड़ित परिवार को बार बार मुकदमे में राजीनामा करने की धमकियां दे रहे हैं। पूरा पीड़ित परिवार सदमे में है, डरा हुआ है और घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बार बार मारपीट व जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि या तो मुकदमे में राजीनामा करो या वापिस लो, वरना आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपराधियों के परिवारजनों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार के घर के पास ही खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। खेतड़ी एसडीओ ने कहा था कि अवैध खनन बंद करा दूंगा, लेकिन आज भी अवैध खनन हो रहा है। इसी को लेकर मीन सेना प्रमुख सुरेश मीणा किशोरपुरा के नेतृत्व में सामाजिक संगठनों के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पीड़ित परिवार की सुरक्षा में न्याय की मांग की है। पूरी जिंदगी खराब हो गई, मतलब वो सारे वेंटिलेटर पे बैठे हैं, खाना बनाने वाला भी नहीं, घर पे हमारे को तो साथ पानी पिलाने वाला नहीं है। ये है, आप देखो हाल हो रहा है। पुलिस इनकी सुनवाई नहीं, हाँ बताओ ज्ञापन नहीं दिया इसके बारे में। आज हमने किशनपुरा मामले को लेके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। हमारी कल भी संभागीय आयुक्त केसी वर्मा जी से बात हुई थी और हमारी मांग है कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब शायद आवश्यकता इस बात की पड़ गई है कि अब हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा, अब हमें सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मांगे थी हमने बहुत ही नम्रता से खेतड़ी के अंदर उपखंड अधिकारी को हमने CM और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था और खेतड़ी में हमने आंदोलन किया। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने एक पंडाल लगा के और बड़ी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या में हमने आंदोलन किया था, लेकिन प्रशासन की जूतक नहीं रंगी और अब हम आर पार की बात कर रहे हैं। 2 दिन का लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 2 दिन बाद में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसमें हमारे सिर्फ SC के लोग ही नहीं है, हम ST के और जनरल कास्ट के बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं जो लोग हमें हमारी मदद के लिए आगे आए हैं और विभिन्न समुदाय के लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से हम नम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि या तो 2 दिन के अंदर किशनपुरा घटनाक्रम के अंदर जो अभियुक्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वरना अब हम सड़कों पे आएंगे और अब मजबूरन हमें भी उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। सुरेश मीणा किशोरपुरा।